अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास सेट है आईटेल का, और दोस्तों ये है एंड्रॉयड 12 के अंदर। और आईटेल के जितने भी सेट हैं, जो एंड्रॉयड 12 और एंड्रॉयड 13 के अंदर हैं, वो आप इस तरीके से FRP ID रिमूव कर सकते हैं। ये बिल्कुल इजी तरीका है, आपने वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। सबसे पहले आपने वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप वाईफाई को कनेक्ट करेंगे तो ये आगे चला जाएगा वेरीफाई योर अकाउंट के ऊपर। ये आप चेक कर सकते हैं, आपने मुकम्मल इसे बैक कर लेना। आपने वाईफाई वाली सेटिंग के अंदर आ जाना है, आपने नियर बाय के अंदर चला जाना है, यहाँ से आपने टर्न ऑन कर लेना है इसे, और नीड हेल्प शेयरिंग को आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको तीन डॉट नज़र आएंगे इस सर्च के बाद, ठीक है। आपने दोस्तों यहाँ से इस सेटिंग के अंदर चला जाना है, यहाँ से आपने फिनिक्स ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। इधर आपने पाम स्टोर लिख लेना है और इसे आपने ओपन कर लेना है सर्च करके। और आपने यहाँ पर जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है, ये आ जाएगा इस सेटिंग के ऊपर। यहाँ पर आपने आकर इधर आपने एक्टिवेट लॉन्चर लिख लेना है और इसे आपने इंस्टॉल कर लेना, और उसके बाद आपने इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे एक्टिवेट लॉन्चर को, जो एंड्रॉयड सेटअप वाला जो ऑप्शन होता है, ये इसका वर्क नहीं कर रहा। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका ये वाला जो ऑप्शन है, ये इसका वर्क नहीं करता दोस्तों। आपने इधर आपने लिख लेना है EMMC, जैसे लिखेंगे तो ये EMMC मोड आ जाएगा, इससे आपने क्लिक कर देना। और आपने आपने लैपटॉप ले लेना है या अपना आपने PC ले लेना है, उसे आपने ऑन कर लेना है। एक मैं आपको फ्री टूल की मदद से ये जो जितने भी आईटेल के सेट हैं वो आप FRP ID रिमूव कर सकते हैं। आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है RiseROM। जैसे ही RiseROM को ओपन करेंगे आपने टूल के अंदर चला जाना है, यहाँ से आपने इस टूल को डाउनलोड कर लेना है। इसमें से किसी भी वर्जन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं 3.31 वर्जन को मैं डाउनलोड करूँगा, ठीक है। आपने जैसे ये डाउनलोड होगा आपने इसे ओपन कर लेना है।
आपने दोस्तों मोबाइल कनेक्ट करके आपने ADB के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर रिमूव ADB न्यू बॉडी, ये इसे आपने क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा। आपने इसके सबसे पहले आपने मोबाइल के ड्राइवर इंस्टॉल कर लेने हैं, जो मैंने पहले किए हुए हैं इंस्टॉल, ठीक है। जैसे ही ये रिमूव होगा मैं आपको कंप्लीट चेक करवा देता हूँ, लेकिन आपने वीडियो को कंप्लीट देख लेना है।